नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हत्या से जुड़े कानून की जानकारी देने वाले हैं। आईपीसी की धारा 304 के नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य की व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है जिससे मृत्यु होने की भी संभावना है, इसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता है। इन हालात में उसे आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वो आर्थिक दंड या जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। वहीं आईपीसी की धारा 304A को समझना भी आवश्यक है। धारा 304A लापरवाही के कारण होने वाली मौत से संबंधित है। लापरवाही को इरादे से अलग करने वाली बारीक रेखा को समझना आवश्यक है। कानूनी शब्दों में लापरवाही देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे क्षति होती है। धारा 304A लापरवाही कार्य पर है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मसलन सड़क दुर्घटना। ऐसे कार्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आते। इस अपराध के लिए सजा 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव बी समयार्ची। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हत्या से जुड़े कानूनी जानकारी आज आपको मिलने वाली है और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। इस विषय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कानूनी राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें 01206127937 और 01206127938, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारी आज आपको राजीव जी देने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये बताएं कि आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 क्या है। धारा 304 जो है वो पनिशमेंट का क्लॉज है। ये पनिशमेंट का क्लॉज जो है वो 299 से ड्राइव्ड है। 299 में है कि कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या है ये इसको जानना जरूरी है। जब हम 304 की ओर जाएंगे, कहें कि 304 पनिशमेंट क्लॉज, तो कल्पेबल होमिसाइड क्या है। कल्पेबल होमिसाइड जो है तो दो वर्ड, एक होमिसाइड है, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है कि कोई जो है तो दोष होना, किसी तरह के काम करना, कल्पेबल। होमिसाइड का मतलब जो है वो लैटिन वर्ड है होमिसाइड, होमी और साइड। होमी का मतलब आपका ह्यूमन बींग और साइड का मतलब एस्पेक्ट। तो कल्पेबल होमिसाइड किसी व्यक्ति को जो की या तो हत्या हो जो है तो गैर इरादतन होती है या इरादतन होती है, इस दोनों केसेस में कल्पेबल होमिसाइड की बात होती है। अब बात ये आती है कि कल्पेबल होमिसाइड का बेसिकली दो पार्ट होता है ना। एक पार्ट को कहते हैं इंटेंट पार्ट, दूसरी पार्ट को कहते हैं हम नॉलेज पार्ट। तो जब आप कल्पेबल होमिसाइड 299 में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कल्पेबल होमिसाइड की क्या है। कल्पेबल होमिसाइड जो है कोई एक्ट आप करते हैं विथ इंटेंट टू कॉज डेथ और विथ नॉलेज टू कॉज डेथ। एक में क्या है कि इंटेंट है कि उसकी डेथ हो जाएगी, दूसरे में कॉज। जैसे कि एक एग्जाम्पल इस एक्ट में है कि कोई गड्ढा अगर कोई किसी ने किसी के हत्या के फेंका और उस गड्ढे के ऊपर घास वगैरह रख दिया और कोई व्यक्ति जब जा रहा है देखिए उस की ये जो है तो रूप है और उसके रखता उस गड्ढे में गिर जाती है, गिर जाने से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो जो व्यक्ति ने गड्ढा खोजा, उससे घास रखा और जिसके कारण तो वो व्यक्ति जो है ना
they have committed crime of the culpable homicide under 299. उसी तरह क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी झाड़ी में छिपा हुआ है और वो झाड़ी में छिपा हुआ ये कह रहा है कि बी को कि तुम झाड़ी में जो है सो बंदूक चला दो, अब बी इज नॉट नोइंग कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ है, ए इज नोइंग वेरी वेल कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ है और बी ने अन इंटेंशनली उस पर गोली चलाई और किसी स्त्री की डेथ हो गई। अब यहाँ पे किसी सी जो है उसको पता ही नहीं था कि उस बुश के अंदर उस गाड़ी के अंदर एनीबॉडी इज हाइडिंग और वो ए के कहने पे, तो यहाँ पे ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी और बी को नॉलेज नहीं था तो दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ द लॉ। तो ये सारे कल्पेबल होमिसाइड का इंटेंट ये है कि वन शुड बी आपके पास नॉलेज हो और जो है आपका एक्ट मीन्स जो कॉल के लॉ के सेंस में होती है और मीन्स रिया। अब क्या है कि आप किसी को डायरेक्ट मार रहे हैं तो आप जब किसी की हत्या कर रहे हैं तो आपकी एक्ट है, जब आप गोली चला रहे हैं तो यू आर नोइंग देल कि इस गोली को चलाने से व्यक्ति मिलेगा, है ना, ये आपकी एक्ट है जो कि आपके नॉलेज में है, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं है कि इस गोली के चलाने से हम किसको मार रहे हैं, ये आपकी इंटेंट नहीं है किसी को मारने उसको मारने की और आपने गोली चला दी। तो ये कल्पेबल होमिसाइड जो है उस कल्पेबल होमिसाइड के अंदर एक्ट और नॉलेज दोनों के पार्ट है और इसी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट को ड्राइव किया है 304 में। 304 में ये पनिशमेंट जो है इसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड से कमिटेड क्राइम करता है तो उसको आजीवन कारावास या उसकी कारावास की अवधि अप टू 10 ईयर विद फाइन होगी विदाउट फाइन होगी। तो ये पनिशमेंट क्लॉज है जो 304 में ड्राइव किया गया है और ये कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट क्लॉज। जी सर, आपने 304 को यहाँ पर बड़े विस्तार से हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ समझाया है, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गैर इरादतन मानव वध करता है यानी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसके लिए क्या कुछ सजा हो सकती है। देखिए, गैर 304 का जो है ये कल्पेबल होमिसाइड में ये सारी सजा की बात है, लेकिन अब क्या है कि आप हत्या को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपल होमिसाइड, होमिसाइड का यूज इसलिए हम कर रहे हैं कि होमिसाइड इज वन टाइप ऑफ द किलिंग समवन, होमिसाइड मैन टू मैन किलिंग समवन, और एक जो है तो सिंपल होमिसाइड है, एक अनलॉफुल होमिसाइड है। तो लॉफुल होमिसाइड में कुछ चीज आते हैं जैसे कि आप किसी आप गाड़ी मॉडरेट में चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को मारना किसी की किसी, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती है तो हो गई, है ना, बट ये लॉफुल आपका एक्ट था कि आप लॉफुली गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और लॉफुली गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और मॉडरेट स्पीड से चल रहे हैं, आप जिस लेन में चल रहे हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास सारी चीजें लॉफुली आप चल रहे हैं, बट उस लॉफुल एक्ट के कारण किसी की हत्या हो गई, किसी की जान चली गई, हत्या नहीं कर सकते किसी की जान चली गई, इसको आप लॉफुल एक्ट में ले आएंगे और तो वो 304 जो कल्पेबल होमिसाइड वहां से आगे आके 304 ए में आ जाएगी। उसी तरह है कि डेथ कॉज्ड बाय चाइल्ड, अगर किसी बच्चे ने कोई चीज जिसको बच्चे को कोई अनसाउंड माइंड है उस बच्चे ने अगर किसी के घर में बंदूक उठाई चला दी, अब ये बच्चे को कोई इंटेंट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, दोनों चीज नहीं है, ना तो इंटेंट है किसी को मारने का ना उसके पास नॉलेज है कि इसके चलने से ये मर जाएगी। अब ये सारी चीज जो है आपको लॉफुल जो है तो होमिसाइड में आ गई। अब डेथ कॉज बाय द गुड कॉज, गुड फेथ में आपको ये देखते जैसे आप डॉक्टर एक पे ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करते करते डॉक्टर अगर वो व्यक्ति जो है वो ऑपरेशन में वो जिसकी डेथ हो जाती है जी। अब डेथ तो हो गई, हैज बीन किल्ड, लेकिन वो जो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की हत्या करना नहीं चाह रहा था, वो उसका ना इंटेंट था ना नॉलेज, जो गुड फेथ में काम कर रहा है, तो ये जो है होमिसाइड, ये लॉफुल एक्ट में एक होमिसाइड का।
उसी तरह आप अनलॉफुल एक्ट में है। अब अनलॉफुल एक्ट में कि आप किसी को सामने से गोली मार देते हैं तो अनलॉफुल एक्ट है, उससे डेथ हो जाती है। आप किसी के बॉडी का ग्रीवियस इंजरी ऐसा करते हैं जिससे उससे वो उस इंजरी से उसका मरना नियत है, वो अगर उस तरह की इंजरी होगी तो मर जाए, वो अनलॉफुल होमिसाइड है। उसी तरह अगर आपको नॉलेज है और आपका एक्ट है, दोनों एक्ट से आप काम कर रहे हैं तो अनलॉफुल एक्ट। तो ये सारी चीज, ये तो हम जो होमिसाइड को इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, आई कुड गो इन लॉफुल और अनलॉफुल। तो दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं। लॉफुल में आप यू गेट द बेनिफिट ऑफ लॉ, और अनलॉफुल में आपको जो है सो यू हैव कमिटेड क्राइम और आप कमिट हो जाएंगे 3-4 में। जी, ये तो यहाँ पर सर बात हुई, आपने ये स्पष्ट तौर पर यहाँ समझाया हत्या को, और इसके साथ ही अगर गैर इरादतन हत्या हुई है यानी कि किसी की जान चली गई है, उसके पीछे कोई मंशा नहीं थी, इसको आपने स्पष्ट किया। लेकिन इसके साथ ही जमानत के क्या कुछ प्रावधान होते हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे 304 में। देखिए 304 जो है वो जो ग्रीवियस पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ द एंटायर लाइफ हो, जिसमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स हो, तो ये ग्रीवियस है। ये पनिशमेंट जो है ये जो ग्रीवियस है रेयरिस्ट तो नहीं है, बट ग्रीवियस पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 10 ईयर्स है। इस पनिशमेंट की ये नॉन वेलेबल ऑफेंस होती, ये जो ऑफेंस है नॉन वेलेबल। अब इस ऑफेंस को डायग्नोज कौन करते हैं, ट्रायल होती है। ट्रायल इज द वन और टाइप ऑफ डायग्नोज जिसको कि आप ट्रायल करते हैं। जब ट्रायल करते हैं तो कोर्ट ये देखती है कि इंटेंट, नॉलेज, सरकमस्टांसेस, मेडिकल चीज, ये सारे चीज को कोर्ट देखती है। जब ये कोर्ट देखती है सारे चीज और उस कोर्ट को जो हम जमानत लगाते हैं जब हम वो बेल एप्लीकेशन, तो कोर्ट ये सारे चीज देखती है। कोर्ट देखती है द पर्सन एज सपोज टू रिजाइड इन द सोसाइटी, जो क्राइम किया है वो क्राइम की ग्रेविटी कितना है, इस व्यक्ति का जो है सो ऑफेंडर जो है वो ये ऑफेंस हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, ये सोसाइटी में कैसा रहता है, ये सारा चीज को हम देखते हैं। और अवेलेबल ऑफेंस के अंदर इसकी बेल एप्लीकेशन मूव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वंस पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस और आपको तुरंत बेल मिल जाएगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन की रोल बहुत ज्यादा होती है। इन्वेस्टिगेशन जो आती है उसकी पुलिस की रिपोर्ट आती है, और पुलिस की रिपोर्ट के बाद जो कोर्ट उस पे जो उसको डायग्नोज करती है कि वंस टू गिवन बेल और नॉट बेल, ये जमानत की उस तरह से प्रक्रिया होती है। और जमानत मिलती भी है और बहुत जगह जमानत जल्दी नहीं मिलती है। जी सर, कई और चीजें हैं आज के विषय से संबंधित जो हम आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी आपके साथ हैं, हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता राजीव जी, और ऐसे भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि IPC की धारा 299 गैर इरादतन हत्या को किस तरीके से परिभाषित करती है, 304 के बारे में आपने विस्तार से इससे पहले हमारे दर्शकों को बताया था। देखिए 299 जो है ये कल्पेबल होमिसाइड से, कल्पेबल होमिसाइड दो तरह के, एक मर्डर होती है कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर 300 में आती है और 299 में कल्पेबल होमिसाइड। अब दोनों में किलिंग है, दोनों में किसी न किसी की हत्या होती है, ठीक है। लेकिन अब बेसिकली देखना ये होता है कि 299 और 300 में फर्क क्या है। तो 300 में क्या है कि इट इज अ मर्डर, मर्डर मीन्स देर इज अ इंटेंट, देर इज अ नॉलेज और देर इज अ एक्ट, ये सारे चीज है ये जो, और इसमें आप मर्डर आते हैं। अब कल्पेबल होमिसाइड में एक बेनिफिट मिलती है, बेनिफिट मिलती है कि वन हैज टू रीच, यहाँ तक पहुंचना है कि ये जो मर्डर हुआ इट वाज उस तरह से मर्डर हुआ कि ये मर्डर करने की थी के इंटेंशन और नॉट। जैसे कि मान लिया कि अगर किसी व्यक्ति को हमने किसी व्यक्ति ने किसी ने व्यक्ति को लाठी से पीटा, ब्लंट मटेरियल, तो अब क्या है ब्लंट मटेरियल से पीटा तो उसको ब्लंट मटेरियल से इसके पैर में मारा, हाथ में मारा, खाना एल्बो में मारा, तो ये ब्लंट मटेरियल से जब आप किसी को करते हैं तो वो उस पार्ट पे नहीं मारा जिससे कि वो मर जाता है ना।
तो उसको उस पार्ट में मारा जहाँ इंजरी होती, उसको इंजरी हो गई, लेटर ऑन ड्यू टू दिस इंजरी व्यक्ति मर गया। तो अब क्या है क्योंकि ये सारे चीजें जो है, अब यहाँ पर दो कोर्ट हैज टू स्पीक, बड़ी थीन लाइन है 300 और 299 पर। कोर्ट हैज टू सी कि ये 300 में फॉल करेगी या 299 में फॉल करेगी। तो कोर्ट क्या देखती है, कोर्ट देखती है कि ये भाई, ये पहला बात तो कि जो व्यक्ति की बात हो रही है, हत्या या हत्या हुई है फर्स्ट ऑन, उसके बाद ये देखती है कि ये जो हत्या हुई है ये किसी जो है तो ब्लंट मटेरियल से पीटने से हुई या नहीं हुई, है ना, ये सारी चीज कोर्ट वो देखती है। कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति जो जो एक्यूज है वो ब्लंट मटेरियल का जो यूज किया या किसी चीज का यूज किया वो किस इंटेंट से यूज किया। तो ये चीज जो है, अगर ये सारा चीज आती है कि भाई इंटेंट उस तरह से उसकी मारने की नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाती है। इंटेंट उसकी ये जानते हुए कि इसकी से मर सकता बट उसकी इंटेंट नहीं है कि उसको हम मार दें, तो उसको अगर उसकी इंटेंट डायरेक्ट है कि कुछ को किसने मारने की किलिंग करने की कोशिश तो फल कर जाएगी। तो ये बड़ी थीन लाइन है 300 और 299, और इसमें बेसिक बेनिफिट ये होती है कि उसको कि अगर ये केस 299 में फॉल कर गया तो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट तो है ही, अदरवाइज भी ऑप्शन है कि अप टू 10 इयर्स, वन कैन बी कन्विक्टेड अप टू 10 इयर्स, इट कुड बी इवन 7 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, है ना। तो ये जो उसकी कन्विक्शन है, जो उसकी पनिशमेंट है, उसकी क्वांटम बन जाती है। तो जब जब किसी केस का ट्रायल होता है तो अगर हत्या होती है तो जुरिस्ट या लॉयर्स ये चाहते हैं कि इस चीज को शिफ्ट करके 299 पे ला जाए तो दैट की कम मिनिमम पनिशमेंट हो पाए। तो ये 299 और 300 की बातें, और 299 जो है ना इंटेंट का ना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दो चीजों को, एक नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और एक अमाउंटिंग टू मर्डर, ये दोनों में सॉल्व कर जी। सर ये तो यहाँ पर आपने 299 के बारे में विस्तार से बताया, और इससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे धारा 304 को लेकर, लेकिन सर कहा जाता है कि आईपीसी की धारा 304A में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि जिस वाहन से हादसा हुआ है उसे जब्ती के बाद जल्द से जल्द नीलाम कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, किस तरह के बदलाव की जरूरत है ये आपसे समझना चाहेंगे। नए एक्ट में जो आई है उस नए एक्ट में, ये तो पुराने एक्ट आईपीसी की है, नए एक्ट में 304 के अलग सेक्शन है और उसमें थोड़ी बदलाव हुई है। बदलाव के पीछे क्या है कि एन अदर से निग्लिजेंस एक्ट, अल्टीमेटली क्या है कि आपके निग्लिजेंसी से किसी की हत्या हो रही है, किसी की जान जा रही है, तो इस 304 में पनिशमेंट का जो जो एक क्वांटम है वो काफी कम है, 2 साल का है। अगर ये प्रूव भी हो जाती है कि निग्लिजेंट एक्ट के कारण किसी की हत्या हुई है तो ये अप टू 2 इयर्स तक, है ना। तो अगर हत्या की केस अगर 299 और 300 लगे तो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी और या अप टू 10 इयर्स तो होगी, लेकिन अगर यही चीज निग्लिजेंस प्रूव हो जाती है तो ये अप टू 2 इयर्स ही होती है, ऑल दो इसमें भी जो है किसी न किसी की किलिंग हुई है। तो एक लेजिस्लेचर की एक व्यूज थी कि ये जो हत्या तो दोनों में हो रही है, एक निग्लिजेंट एक्ट के कारण हो रही है और एक जो इंटेंशनली और एक्ट से हो रही है, तो इसकी क्वांटम कमी, तो इस क्वांटम के कारण एक इसकी बदलाव की जो नए एक्ट में कुछ बदलाव की गई। दूसरी बात क्या है कि जब आप निग्लिजेंस रतन निग्लिजेंस में आते हैं, अगर मोटर व्हीकल से हुई तो एक मोटर व्हीकल एक्ट है, यहाँ पर कंपनसेशन की बात है, मोटर व्हीकल एमएसपीटी के अंदर आप कंपनसेशन, लेकिन अदरवाइज अगर निग्लिजेंस किसी एक्ट से हुई तो वहाँ कंपनसेशन की बातें जो नहीं है, तो फिर आपको 304A में कंपनसेशन की बातें आती है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कि फिर हमको अगर अपार्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल हो गई किसी और निग्लिजेंट एक्ट के कारण किसी की हत्या हो गई, किसी की जान चली गई, हत्या नहीं कर सकते कि 304A में जा रहे हैं तो किसी की जान चली गई तो आप उसको कितना कंपनसेट कर सकते हैं, तो इसी कंपनसेशन को ध्यान रखते हुए कि कंपनसेटरी अमाउंट जो है
अगर मोटर व्हीकल है तो विक्टिम कुड गेट रिलेटिव ऑफ द विक्टिम कुड गेट बेटर अमाउंट, लेकिन अगर ये 304 ए में है वहाँ फिर इसकी कंपनसेशन की क्वांटम बड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत थी, जिसको नए एक्ट में कुछ हद तक उसको जो है सो लाया गया। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।